कराची में पीटीआई रहनुमा पर फायरिंग, फैसल वाडा की गाड़ी को दिल्ली कॉलोनी में निशाना बनाया गया। पीटीआई रहनुमा ने अदालत में सबूत देने के बाद अपनी रिहायशगाह जा रहे थे कि दो मोटरसाइकिलों पर सवार मुलजिमान ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी, ताहम वो बाल बाल बच गए। फैसल वाडा कहते हैं सिक्योरिटी साथ थी, वरना आज उनकी जान चली जाती। सिक्योरिटी गार्ड की फायरिंग से हमलावर फरार हो गए। पीटीआई रहनुमा इमरान इस्माइल का कहना था कि वो फायरिंग के वक्त फैसल वाडा के साथ बैठे हुए थे। ये हम बिल्कुल समझे शॉर्ट ऑफ दिल्ली कॉलोनी जो कृष्ण रोड है, सबमरीन चौक जिसको कहलाते हैं, इस पे मैं और फैसल आ रहे थे नैब के दफ्तर से निकल के। फैसल गाड़ी चला रहा था, मैं साथ बैठा हुआ था। फैसल की तरफ से पहले फायरिंग शुरू हुई, उधर एक बंदे ने गाड़ी बिल्कुल बाइक बराबर ला के चार फायर शॉट किए फैसल के ऊपर, और क्योंकि गाड़ी बुलेट प्रूफ थी इसलिए कोई बुलेट शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह क्रॉस नहीं हो सकी। जब मैंने फैसल को कहा गाड़ी भगाओ, ये लड़के फायर कर रहे हैं, तो इतनी देर में मेरी तरफ से फायरिंग शुरू हो गई और दो लड़कों ने दो बुलेट जो है वो मेरी गाड़ी के विंडो पे मारे, टोटल छह बुलेट फायर हुए थे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने फैसल वाडा पर फायरिंग के वाक़े का नोटिस ले लिया है। उन्होंने आईजी सिंध से रिपोर्ट तलब कर ली है।